बॉलीवुड के कोरियोग्राफर डायरेक्टर रेमो डिसूजा के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। घर में मिला लिजेल डिसूजा के भाई जेसन वाटकिंस का शव। भाई की खुदकुशी के गम से टूटी लिजेल। अपनों के जाने का गम हमेशा ही दिल तोड़ देने वाला होता है, लेकिन ये दर्द तब और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब जाने वाले ने जिंदगी से हार मान कर मौत को गले लगा लिया हो। कुछ ऐसे ही दर्द से बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और उनकी पत्नी लिजेल डिसूजा गुजर रहे हैं। लिजेल के भाई जेसन वाटकिंस का निधन हो गया है। 20 जनवरी को जेसन अपने मिलात नगर स्थित घर में मृत पाए गए। जेसन का शव सबसे पहले उनके पिता ने देखा था। बता दें कि जिस वक्त जेसन ने मौत को गले लगाया, उस वक्त रेमो और उनकी पत्नी लिजेल मुंबई में मौजूद नहीं थे। एक शादी में हिस्सा लेने के लिए वो गोवा गए हुए थे। भाई की मौत के गम से लिजेल बुरी तरह से टूट गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा गम जो उन्हें खाए जा रहा है वो ये है कि आखिर क्यों जेसन ने जिंदगी से हार मानकर मौत को गले लगा लिया। अपने बीमार बूढ़े पिता के बारे में भी नहीं सोचा। जेसन की खुदकुशी करने की पुष्टि खुद लिजेल ने की है। इस हादसे के बारे में बात करते हुए लिजेल ने कहा, डैडी ने किसी तरह जबरदस्ती दरवाजा खोला और पाया कि जेसन ने अपनी जान ले ली है। डैडी का कुछ समय से डायलिसिस चल रहा है। मुझे नहीं पता कि उसने अपने साथ क्या किया, क्योंकि मैं अभी पापा के घर के रास्ते में हूँ। जेसन और पापा एक साथ रहते थे। इसके साथ ही लिजेल ने आगे बताया कि शायद जेसन अपनी माँ की मौत के सदमे से उबर नहीं पा रहे थे। लिजेल और जेसन की माँ का निधन साल 2018 में हो गया था। जेसन अपनी माँ के बेहद करीब थे। माँ को खोने के बाद से ही वो इस गम से उबर नहीं पाए थे। वहीं लिजेल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करके भी अपने गम को साझा किया है। भाई को खोने के बाद लिजेल किस हद तक टूटी हैं, ये उनके पोस्ट को देखकर समझा जा सकता है। लिजेल ने इंस्टाग्राम के स्टोरी सेक्शन में जेसन की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। पहली पोस्ट में जेसन की तस्वीर को शेयर करते हुए लिजेल ने लिखा है, क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इसके बाद लिजेल ने जेसन और अपने बचपन की एक तस्वीर शेयर कर उस पर क्यों लिखा है। लिजेल ने जो तीसरी तस्वीर शेयर की है उसमें जेसन अपनी माँ के साथ दिख रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिजेल ने अपनी दिवंगत माँ से माफी मांगी है। लिजेल की ये पोस्ट उनके दर्द की शिद्दत को बयान कर रहे हैं। बता दें कि जेसन वाटकिंस के शव को पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल ले जाया गया था। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जाँच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।